दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर में एक नए टॉपिक रिसाइकल बिन के बारे में। इस वीडियो में हम सीखेंगे रिसाइकल बिन क्या होता है, रिसाइकल बिन में क्या किया जाता है। दोस्तों अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यादव पांडे, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल का आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर में, या जब आप कंप्यूटर को ओपन कर लेते हो, उसे स्टार्ट कर लेते हो, उसे ऑन कर लेते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा एक रिसाइकल बिन होता है, ठीक है, जिसमें जो उसका जो आकार देखा जाए तो एक डब्बे की आकृति की उसका सिंबल बनी होती है, उसकी आइकन बनी होती है, वो क्या कहलाता है, रिसाइकल बिन कहलाता है। दोस्तों रिसाइकल बिन क्या है, दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो रिसाइकल बिन होती है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फोल्डर होती है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फोल्डर होती है जिसमें किसी भी डिलीट किए हुए फाइल या फोल्डर को उस रिसाइकल बिन में हम स्टोर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसे आप वहां से रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो रिसाइकल बिन क्या होती है, रिसाइकल बिन होती है, इसका पहला पॉइंट है रिसाइकल बिन एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फोल्डर होती है। किसकी फोल्डर होती है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फोल्डर होती है, ठीक है, क्या है, एक फोल्डर है। अगर हम उसकी आइकन के बारे में बात करें तो जो आइकन है वो एक डब्बे की आकृति की होती है, डब्बे के समान दिखती है, वही क्या कहलाती है, रिसाइकल बिन कहलाती है। अब रिसाइकल बिन में क्या होता है, दोस्तों हम जब भी कोई फाइल या फोल्डर को डिलीट मारते हैं, ठीक है, जब भी हमारे पास कोई फाइल या फोल्डर होती है हम उसे डिलीट कर लेते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ पर स्टोर हो जाती है, वो डिलीट हुई फाइल या फोल्डर रिसाइकल बिन में ही स्टोर हो जाती है। कहाँ पर स्टोर हो जाती है, फाइल या फोल्डर, फाइल या फोल्डर डिलीट करने के बाद कहां पर स्टोर हो जाती है, रिसाइकल बिन में। ठीक है, इसलिए इसे कचरे का डब्बा या कचरे का डिब्बा भी कहा जाता है। जब भी हम किसी फाइल या फोल्डर को अपने कंप्यूटर से डिलीट कर लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ स्टोर हो जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर स्टोर हो जाती है। अगर आपने रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया उस फाइल या फोल्डर को तो वो परमानेंट, वो जो फाइल या फोल्डर है वो परमानेंट रूप से डिलीट हो जाती है, ठीक है, कहाँ से, रिसाइकल बिन से भी आपने उस फाइल या फोल्डर को डिलीट कर दिया, ठीक है, तो जो फाइल या फोल्डर है जिसको आपने रिसाइकल बिन से डिलीट कर दिया है वो परमानेंट रूप से क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जो रिसाइकल बिन होती है वो क्या होती है, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की फोल्डर होती है, ठीक है, जिसमें हम जब भी अपने कंप्यूटर में कोई फाइल या फोल्डर को डिलीट कर लेते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा वो जो डिलीट हुए फाइल या फोल्डर है वो कहाँ पर स्टोर हो जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर स्टोर हो जाती है। अगर आप रिसाइकल बिन से भी उस फाइल या फोल्डर को डिलीट कर लेते हैं तो वो जो फाइल या फोल्डर है वो परमानेंट रूप से डिलीट हो जाती है, हम उसे वापस रिस्टोर नहीं कर सकते। तो दोस्तों यही है रिसाइकल बिन का मेन वर्क। तो अब आप लोगों का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि आखिर में जो रिसाइकल बिन होती है वो क्या होती है। रिसाइकल बिन के अंदर जब हम कोई फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो उससे क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले
नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।